हेलो फ्रेंड्स, आज का यार जो हम जनरल नॉलेज का एक बहुत छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं, एक वो बहुत बड़ी सी कंट्रोवर्सी बनती चली गई है। ये कंट्रोवर्सी और किसी की नहीं है, ICICI बैंक की कंट्रोवर्सी है। और आजकल इतनी ज़्यादा हॉट फेवरेट हो गई है कि आपको रोज़ न्यूज़पेपर्स में कहीं ना कहीं ICICI बैंक की कंट्रोवर्सी का नाम सुनने को मिलेगा। तो मैं इस वीडियो में बहुत छोटे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, काफ़ी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, लेकिन मैं आपको बहुत स्मॉल में शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा ये कंट्रोवर्सी है क्या। इससे पहले फ्रेंड्स, आपको एक जीके की छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूँ। कई बार एग्जाम्स के अंदर ICICI बैंक की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो प्लीज आप याद कर लीजिएगा ICICI बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपको ICICI की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, आपने सबने ऑलमोस्ट इनका नाम सुना होगा, और ये कंट्रोवर्सी भी इस बार इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ये और कोई नहीं, ICICI बैंक की MD है और बहुत ही फेमस लेडी है, चंदा कोचर। मतलब सब बच्चों को पता होता है कि यार ICICI बैंक की MD कौन है, चंदा कोचर। लेकिन ये कंट्रोवर्सी इनके अराउंड क्यों रिवॉल्व कर रही है, ऐसा क्या हुआ है कि चंदा कोचर का नाम सीधा सीधा ICICI बैंक की कंट्रोवर्सी के अंदर आ गया, इसको यहां से समझते हैं। फ्रेंड्स, हुआ क्या था एक्चुअली, 2012 में ICICI बैंक ने वीडियोकॉन को अराउंड लोन दिया था 3,240 करोड़ रुपीस का। एक बहुत बड़े अमाउंट का लोन दिया है, 3000 मतलब अराउंड 3,250 करोड़ का लोन दे दिया, 3,500 करोड़ का लोन दिया था वीडियोकॉन बैंक को, ताकि वो अपने ग्रुप को डाइवर्सिफाई कर सके। ठीक है, इस वजह से, इस पर्पस के लिए वीडियोकॉन को लोन मिला था। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम आती है अब। हुआ क्या एक्चुअली, जब वीडियोकॉन को लोन मिला तो वीडियोकॉन का एक चेयरमैन है, वीडियोकॉन के एक चेयरमैन है जिनका नाम है वीनु गोपाल दूध। अब इन वीनु गोपाल दूध जी ने क्या करा, इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट करी। इन्वेस्टमेंट कितने की करी, इन्वेस्टमेंट करी 64 करोड़ रुपीस की, रिटर्न इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब बैंक से लोन मिल गया उसे इन्वेस्टमेंट करी। और इन्वेस्टमेंट किसमें कर दी, इन्वेस्टमेंट कर दी नू पावर में। अब ये नू पावर इंटरेस्टिंगली किसकी कंपनी है, नू पावर का जो चेयरमैन है वो है मिस्टर दीपक कोचर, और दीपक कोचर जी और कोई नहीं, ही इज द हस्बैंड ऑफ मिसेस चंदा कोचर। यानी कि जो वीडियोकॉन को पैसा मिला 3,240 करोड़ रुपीस, उसके रिटर्न में हुआ क्या एक्चुअली, मिस्टर वीनु गोपाल जी ने, जो कि चेयरमैन है, MD है वहां के, उन्होंने 64 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर दिए नू पावर के अंदर। अब वीडियोकॉन कह रहा है कि ये प्योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, मतलब वीनु गोपाल जी कह रहे हैं कि प्योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। अब लोगों को इसमें लग रहा है कि यार इसमें ये किकबैक तो नहीं है। किकबैक का मतलब होता है एक तरीके की ब्राइबरी या एक तरीके की करप्शन। यानी कि फॉर एग्जांपल, आप मान लो पर्सन हो एक्स, आपको काम निकलवाना है वाई से, और आप इन रिटर्न वाई के या कोई प्रोडक्ट है, या वाई की कोई जानकारी है, या वाई का कोई फ्रेंड है, उसकी कंपनी है जेड, आप जेड के अंदर इन्वेस्ट कर दो, तो आपने क्या कर दिया, आपको किक बैक मिल गई, आपको आपका फेवर मिल गया, वाई को उसकी कमीशन मिल गई। ठीक है, इसको क्विड प्रो को भी कहते हैं। क्विड प्रो को का मतलब होता है, बहुत फेमस फ्रेज है, आप याद कर लीजिएगा इसको, समथिंग फॉर समथिंग। तो अब फ्रेंड्स, अब ये एक्चुअली में किक बैक है कि नहीं, ये क्विड प्रो को है कि नहीं, ये प्योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, या इसके अंदर कुछ इट साउंड्स लाइक, इट स्मेल्स लाइक रैट्स, तो इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की एक जरूरत है। और इन्वेस्टिगेशन भी इसके अंदर एक बहुत सीरियस लेवल पे हो रही है। नॉट ओनली सीबीआई तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा है, इसके अलावा सेबी भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर करने के लिए आ गया, और उसने नोटिस इशू कर दिया है ICICI बैंक को, बताने के लिए कि हाँ बताओ यार, तुमने प्रॉपर रेजोल्यूशन पास करा था नहीं करा था। बोर्ड के अंदर डिस्कशन हुई थी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिस्कशन हुई थी नहीं हुई थी,
तुमने सारे रेलेवेंट पॉइंट्स कंसिडर करे थे नहीं करे थे लोन देने से पहले? क्योंकि ये एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि जो लोगों को लग रहा है कि आईसीआईसीआई पहले किसी को लोन दे और बाद में पलट के वही कंपनी आईसीआईसीआई के एमडी के हस्बैंड में पैसा इन्वेस्ट कर दे, तो इसके अंदर थोड़ा सा यार ये इट इज स्मेलिंग रैट्स, इट इज नॉट लाइक साउंडिंग गुड, तो इसके अंदर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। ये है पूरी की पूरी आईसीआईसीआई बैंक की कॉन्ट्रोवर्सी। तो इसमें लोग कह रहे हैं कि चंदा कोचर का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यार, इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं कि एक जगह से तो वो एमडी की पोजीशन पे है और दूसरी जगह से वो दीपक कोचर की वाइफ भी है, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है। तो फ्रेंड्स ये है पूरी आईसीआईसीआई बैंक की कॉन्ट्रोवर्सी। अभी देखते हैं आगे इस कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर और आगे क्या निकलता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। टिल देन थैंक्स अ लॉट, डू वेल इन योर एग्जाम्स एंड ऑल द बेस्ट।